प्रदेश में दिसंबर महीने की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और तेज ठंडी हवाएं चल रही है। इससे अधिकतम तापमान में जोरदार गिरावट आई है। मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक सुरेंद्र पॉल ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से मौसम में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम के तेवर बिगड़े रहेंगे। विभाग ने 2 और 3 दिसंबर को राज्य के कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी तथा राज्य के कुछ निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, इसमें कुछ बढ़ोतरी आई है और मॉडरेट जो है स्नोफॉल हो सकता है, जो ऊपर के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा, इनके ऊपरी क्षेत्रों में संभावना है कि बर्फबारी होगी और मॉडरेट स्नोफॉल की संभावना है अगले 48 आवर्स में। उसके बाद इसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और अप्रोच कर रहा है 4th के आसपास, तो 4 और 5 तारीख के आसपास फिर से जो है मौसम सक्रिय होगा और इसमें पे जो स्नोफॉल जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है 4 से 5 तारीख में। उसके बाद फिर जो है मौसम थोड़ा ड्राई रहेगा, तो कुल मिला के 4 से 5 दिन जो है डिस्टर्ब वेदर रहेगा, क्योंकि 2 पश्चिम विक्षोभ जो है बैक टू हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। ऊना जिला में आज दिन भर घने बादल छाए रहे, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट आई है। इससे लोगों को अभी से ही जोरदार ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने अभी से अपने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। आज लगभग 1 महीने के बाद मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है और अभी 3-4 दिन मौसम 4 तारीख तक मौसम खराब रहेगा और यदि बारिश होती है तो उसके बाद पारे में काफ़ी गिरावट आने की संभावना है। आज मुझे लगता है इस सीज़न की पहला ही दिन है जो इतनी ठंड हो रही है और 2-व्हीलर वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से देखा कि ज़्यादा ठंड है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। राजधानी शिमला में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं।